इस सेक्शन में हम सीखेंगे टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला कुछ इस टाइप का दिखता है। इस पैराबोला में एक पॉइंट ले लेते हैं ए, उसको हम टी मान लेते हैं। तो अगर हमने पैराबोला में टी पॉइंट लिया, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट है ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। टी यहाँ पर पैरामीटर है, इसलिए इसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस पैराबोला को। तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट पे तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस टाइप का दिखेगा। ये है टेंजेंट एट पॉइंट टी, और हम टेंजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू ज़ीरो से निकालते हैं। तो अगर टी इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस पैराबोला को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम एस मान लेते हैं। पैराबोला में हमने एक पॉइंट अज्यूम किया पॉइंट टी ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, इसको हम एक्स वन कॉमा वाई वन मान लेते हैं। तो इस पॉइंट में हम टी निकाल सकते हैं, और टी निकलता है वाई स्क्वायर का जगह वाई इंटू वाई वन कर दीजिए, प्लस जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और एक्स का जगह एक्स प्लस एक्स वन कर दीजिए। तो ये हमें मिलेगा वाई इंटू वाई वन माइनस 2a एक्स प्लस एक्स वन। तो हमें टी मिल गया। तो अगर हम टी इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो जब हमने टी को ज़ीरो कर दिया तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो अभी एक्स वन की जगह 80 स्क्वायर डाल दीजिए, और वाई वन की जगह 280 डाल दीजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को जब 2a से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया पॉइंट टी पे। तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है टेंजेंट का। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 बाई टी एक्स प्लस 80। तो अगर इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और जिसका y इंटरसेप्ट c है। तो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो हमें m की वैल्यू मिलेगी 1 बाई टी एम की जगह 1 बाई टी। तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं, वो मिलेगा 1 बाई एम। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, अगर टी पॉइंट पे टेंजेंट है तो उसका स्लोप 1 बाई टी से हम निकाल सकते हैं, और सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 80। तो सी हमें मिल गया 80। तो अब टी की जगह 1 बाई एम डाल दीजिए, तो मिल जाएगा ए इंटू 1 बाई एम। तो सी मिल गया ए बाई एम। तो यहाँ हमें सी की वैल्यू मिल गया ए बाई एम। तो आप सी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको एम स्लोप का टेंजेंट मिल जाएगा। तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह डाल दीजिए ए बाई एम। तो ये हमें टेंजेंट मिल गया, टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, अगर हमें पैराबोला दिया हुआ है तो उसका एम स्लोप का टेंजेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एम की वैल्यू दी गई है तो आप ए यहाँ से निकाल लीजिए, एम और ए पुट कर दीजिए, तो आपको एम स्लोप का टेंजेंट डायरेक्टली मिल जाएगा इस इक्वेशन से, और एम की वैल्यू होती है 1 बाई टी। तो हम स्लोप 1 बाई टी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है टी के फॉर्म में तो स्लोप मिल जाएगा 1 बाई टी से। तो अभी हमने सीखा कि अगर हमें पैराबोला इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम एम स्लोप का टेंजेंट निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम से, जहाँ पर m की वैल्यू होती है 1 बाई टी। और अगर हम वर्टेक्स को शिफ्ट कर दें तो ये पैराबोला मिल जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। तो इस पैराबोला को हमने h कॉमा k से शिफ्ट कर दिया, तो हमारा वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 0,0 से h कॉमा k में। तो हम इस पैराबोला का टेंजेंट निकाल सकते हैं y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच प्लस ए बाय एम। तो अगर हमने पैराबोला को एच कॉमा के से शिफ्ट किया तो टेंजेंट भी शिफ्ट हो जाएगा एच कॉमा के से। तो हम इस पैराबोला का एम स्लोप का टेंजेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट ऑफ स्लोप एम इस पैराबोला का। यहाँ पर भी एम की वैल्यू
वन बाय टी। तो अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आता है इस पैराबोला का, तो हम किसी भी पैराबोला का टेंजेंट निकाल सकते हैं उसको शिफ्ट करके। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप -2 टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -10x। तो हमें एक पैराबोला दिया हुआ है और हमें इस पैराबोला में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है उस टेंजेंट का जिसका स्लोप -2 है। तो क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला दिया हुआ है और हमें एक टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है -2। तो इस टेंजेंट का स्लोप पता है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -10x। तो हमें ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। इसको हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को टी मान लेते हैं। तो अगर पैराबोला में कोई पॉइंट है उसको हमने टी अज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 2ae। तो हमें टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है -2, तो हमें m दिया हुआ है और हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 1/t। तो 1/t हो गया -2, तो यहाँ से t मिल गया -1/2। और हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू -10x। तो अगर इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से 4a की वैल्यू मिलेगी आपको -10, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा -5/2। तो आपको ए भी पता है और टी भी पता है, तो ये पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, ए को हमने टी मान रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है ए टी स्क्वायर कॉमा 2ae। ए और टी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा -5/8, 5/2, और यही हमारा आंसर है।